हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सो आप देख सकते हो ये पूरा पैकिंग मेरा हो चुका है। अभी बस निकलने की देरी है, अभी बज रहे कुछ सब 6 बज रहे हैं, तो मैं 15-20 मिनट में निकल जाऊंगी अभी राइड के लिए। तो आगे की जो भी बातें हैं मैं आपको मोटो ब्लॉग के द्वारा बताऊँगी। अभी फटाफट जो भी पैकअप बाकी है, थोड़ा पैकिंग बाकी है, वो कम्प्लीट करते हो और निकलते हैं। तो आज मैं लेके जा रही हूँ फसिनो, मेरी बहन की स्कूटर, बिकॉज उसके पास ये स्कूटर आखिर जाने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना दे के आ जाती हूँ। और मेरी राम प्यारी वहाँ खड़ी है एकदम कॉर्नर में, देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो अभी निकलते, पहले मैं लगेज को यहाँ बांधने वाली थी, बट मेरे पास बंजी कॉर्ड नहीं था, ये धाक ये एक नाड़ा जैसा कुछ है, बट इससे वो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने उसको आगे रख दिया। सो गाइज, आई एम ऑल सेट टू लीव। सो अपनी स्कूटर भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। अभी बज रहे कुछ 6:40 एंड टोटल किलोमीटर हमें करना है 220 किलोमीटर्स, और 4 आवर्स 35 मिनट दिखा रहा है। तो ये पुणे के थोड़ा आगे जाना है मुझे, नियर भोर। तो फर्स्ट टाइम मैं फसिनो चलाने वाली हूँ, तो संभाल संभाल के चलाना है। तो पहले निकलते फिर आगे की बातें करते। अभी टाइम हो रहा है 6:40। ओके, लेट्स गो। कैसे अंकल? हाँ, नया लिया है। तो लेट्स गो गाइस। स्कूटर भी अपनी वार्म हो गई है। ओके, तो अभी इसमें जो ट्रिप कुछ सेट नहीं कर सकते जैसे बर्गमैन में कर सकते थे। हमें बस इतना पता है कि 418 किलोमीटर्स करना है। और आप ये नीचे देख सकते हो, मैंने मेरा राइडिंग जैकेट का ही कवर इसको डाल दिया बैग को, ताकि ये बारिश में भीगे ना। चलो लेट्स गो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सब ले लिया ना, मोबाइल और थोड़ा कैश मैंने रखा है, ताकि मुझे चाय वाय पीनी हो तो मैं पी सकूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई सोलो राइड, फर्स्ट टाइम एवर। नहीं तो हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ होता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है सोलो राइड। मैंने काजल को पूछा था बट वो आ नहीं पाई। दैट्स फाइन, कभी कभी सोलो राइड भी कर लेना चाहिए। आप खुद को और अच्छे से पहचान सकते हो, खुद से और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छी एक्सपीरियंस ले सकते हो। भगवान का ऐसा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा, बिकॉज फर्स्ट टाइम है और फसिनो का भी फर्स्ट टाइम होगा शायद लॉन्ग राइड, तो मुझे संभाल के चलाना है। मैं शायद 25-25 किलोमीटर्स के बाद ब्रेक लूँगी 5-10 मिनट का, बिकॉज मुझे ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना है, बिकॉज मुझे पता नहीं इसके बारे में कितना इसको चला सकते हैं। मेरी डीओ के बारे में तो मुझे पता है कि मैं कितना उसको खींच सकती हूँ, इसलिए सेफ साइड में। सो एक काम करते हैं, मैं फटाफट जितना हो सके उतना फास्ट निकलने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज अभी रास्ते भी खाली है। तो ये देखो गाइस, यहीं पे हमारा स्टॉल लगता है राइट साइड में, ये देखो। अरे पूरा स्टेज यहाँ पे बना हुआ था, इसलिए हम 2-3 दिन से स्टॉल नहीं लगा पा रहे थे। आई होप ये आज खुल जाएगा, बट मैं कल तक तो नहीं हूँ, मंडे से हम वापस हमारा स्टॉल चालू कर देंगे। सो जितने भी लोग हैं मलाड में रहने वाले, प्लीज़ आ जाइए और एक बार ज़रूर हमारा एमए वड़ा पाव टेस्ट कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अभी प्यारा सा सनराइज हो चुका है, मतलब पहले हो चुका था बट अभी मैंने कैमरा ऑन किया। तो बाय द वे, मुझे यहाँ से ना दो रूट दिखा रहा था, हमेशा मैं यहीं से जाती हूँ, मतलब पवई होके, बट आज मुझे पता नहीं गूगल मैप आगे से दिखा रहा था, विले पार्ले या सेंटर पुस से होके जाने के लिए। बट मैंने एक रिक्शा वाले अंकल को पूछा कि अंकल कहाँ से मुझे ईजी पड़ेगा, तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि आप पवई से जाओ, बिकॉज आगे एकदम सीधा जाना है, फिर एकदम लास्ट से आपको राइट मारना है, फिर सीधा निकलना है। दैट विल बी ईजी फॉर यू, मतलब आगे से बहुत घूम घूम के जाना पड़ता है, इसलिए अभी तक बड़े बड़े गणपति का विसर्जन हुआ नहीं है। वेट, आई शो यू, ये देखिए, जस्ट वाओ मैन,
ये क्रेन से इन्हें विसर्जन किया जाता है बड़े बड़े गणपति बाप्पा का। ये देखो, वाह, थैंक यू, विजिट अगेन साइन पनवेल टोल बेस। सो हमने नवी मुंबई भी क्रॉस कर लिया है। अभी मुझे लग रही है जोरों से भूख गड़बड़ हो गई, तो अपना जो है एक टर्न मिस हो गया। मुझे हाईवे पे चढ़ना था बट मैं नीचे उतर गई थी, सो दैट इज द रीजन। मुझे अभी अंदर अंदर से जाना पड़ रहा है वापस। ये देखो, अभी मैंने मैप को सीधे हाथ में ले लिया थोड़ी देर के लिए, बिकॉज नहीं तो मैं वापस कोई तो टर्न मिस कर दूंगी। तो यही प्रॉब्लम होता है, मोबाइल होल्डर लगा लेना चाहिए था, ऐसा लग रहा था मुझे। गॉड, तो फाइनली आई एम बैक ऑन हाईवे। इतना सारा राइट लेफ्ट मार मारने के बाद मैं फाइनली हाईवे पे आ गई हूँ। तो यहाँ से ही मुझे राइट मार के वापस थोड़ा सर्विस रोड से जाना पड़ेगा। तो गाइज, मैंने अभी एक जुगाड़ कर लिया है। मैंने क्या किया, एक मैंने ईयरफोन कैरी किया था, उसको मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, एंड गूगल मैप का जो स्पीकर है उसको ऑन कर दिया है। अभी शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं इजीली चला पाऊँगी, बिकॉज़ गूगल मैप जो है मुझे गाइड करती रहेगी। तो अभी फ़िलहाल हमें तो 163 किलोमीटर दिखा रहा है पहुँचने के लिए, मोर 3 एंड 47 मिनट्स, 3 आवर्स 47 मिनट्स दिखा रहा है। लेट्स सी एंड लेट्स गो अगेन, स्टार्ट जर्नी विथ हैप्पी मूड। चलो गाइस, इट्स टाइम टू फिल पेट्रोल, बिकॉज मैंने लास्ट पेट्रोल अपने घर में भरा था अभी 2 दिन पहले, उसके बाद अभी मैं फिल कर रही हूँ। लास्ट तो मैंने 4.5 लीटर का भरा था, अभी भी थोड़ा है बट फिल कर लेते हैं, बस टेंशन नहीं चाहिए अपने को। फुल करा, फुल। तो पहाड़ों पे आज नाश्ता करेंगे हम। मम्मी ने टिफिन दिया है बट लेट्स सी, वहाँ पे कुछ और खाने को मिलेगा तो मज़ा आएगा, नहीं तो फिर चाय और अपना टिफिन लेके बैठ जाऊँगी मैं। ये तो सब ले लिया ना मैंने। ओके, चलो लेट्स गो गाइस। यहाँ से लोनावला भी बहुत 24 किलोमीटर्स है, बट मेरा टायर पता नहीं कैसे पंक्चर हो गया अपने आप। शिट यार, ये क्या नई मुसीबत आ गई यार। यहाँ से अभी टायर पंक्चर वाला कितना दूर है, ये टेंशन आ रहा है यार। अभी इतना सारा सामान भी है, इलेक्ट्रिक फर्स्ट टायर ओके है, तो पीछे का टायर पूरा। अभी मैं एकदम स्लो स्लो गाड़ी चला रही हूँ, बिकॉज अभी टायर पूरा फ्लैट है। पता नहीं यार अचानक कैसे हो गया, कितना बड़ा स्प्रिंग जैसा कुछ तो गया है टायर के अंदर। आगे आई होप गॉड प्लीज एक पंक्चर वाला मिल जाए मुझे। शेट यार, गाइस मुझे ऑन द वे एक पेट्रोल पंप मिला है, एंड उस पेट्रोल पंप में है एक टायर बनाने वाले, तो अभी वही हम रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, तो स्टील टायर का काम चल रहा है। तो ये जब मैंने स्कूटर लिया था तो उन्होंने कहा था कि ट्यूबलेस टायर है, बट ये ट्यूब वाला टायर निकला है। तो मुझे अभी जब मैं रिटर्न घर जाऊंगी तो वापस एक बार उनसे बात करना पड़ेगा। ट्यूबलेस अगर टायर होती ना तो ये और दूर तक चलती, बट ये चली नहीं, ये पहली फ्लैट हो गई इसलिए बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। कैसे कैसे करके मैंने ड्रैग करते करते उसको लेके आई, बट अभी ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल अपने को अभी टायर अच्छे से बना के पहुँचना है,
बट आगे इसका टायर चेंज करना पड़ेगा, ट्यूबलेस टायर डालना पड़ेगा बिकॉज रिस्की है मेरी बहन के लिए। 135 किलोमीटर्स लेफ्ट, खोपोली हाँ खोपोली अभी और दूर है, शायद 15-20 किलोमीटर है, तो वहीं पे अपन नया टायर डाल लेते हैं बस। थैंक यू गॉड जल्दी बता देने के लिए कि इस टायर में प्रॉब्लम है, नहीं तो मुझे इसी बात का डर रहता कि मेरी बहन के पास अगर ये हो जाता मेरे डिलीवर करने के बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती बस, बिकॉज उसको ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है सब चीज़ों का। और एक तो वो गांव एरिया में दूर दूर तक वहाँ पे गैराज भी नहीं है, वैसे बेचारी परेशान है उसकी पुरानी स्कूटर से, इसलिए उसने ये वाली खरीदी, तो उसको भी ये प्रॉब्लम रहेगा तो बहुत दुख होगा उसको। थोड़ी दूर आने के बाद मुझे एक शॉप दिखी अच्छी वाली, तो ये देखो मेरे पीछे है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे मैं टायर चेंज कर लेती हूँ बिकॉज आगे घाट सेक्शन लगेगा तो और आगे टायर की दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने यहीं पे टायर चेंज करने का फैसला लिया। और मैं C8 का टायर डाल दूँ उसमें, बिकॉज C8 का बहुत ही अच्छा कंपनी है और मैंने सुना भी उसके टायर्स के बारे में, मुझे मेरे स्कूटर में भी C8 का ही डालना है। सो ये रहा C8 का टायर, ये मुझे 1400 में मिल रहा है, 1450। और बाकी TVS का ही टायर था इनके पास, तो ये अभी काम चल रहा है। ये नया टायर अभी हमने डाल दिया है C8 का, इट लुक्स गुड, ऑफ रोडिंग के लिए भी बेस्ट है ये टायर एक्चुअली, देखो ना सही है। अभी हम लोग पूरे घाट पे हैं और पीछे वाला घाट चला के क्या मजा आया गाइस, और अभी हम लोग कितना टॉप पे, देखो देखो नीचे एक स्टोरी तो बनती है बहुत यहाँ पे। ये देखो पूरा शहर दिख रहा है लोनावला। तो अभी गाइस मैं ऑलमोस्ट लोनावला पहुंच चुकी हूं, ये देखो मेरे पीछे व्यू, ये देखो यहाँ पे भी यार सही लग रहा है यार, मतलब मुझे आना था बारिश के सीज़न में और फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया बारिश के सीज़न में लोनावला आना। मैं आपको व्यू दिखा दे जाता हूँ, ये देखो और वेदर भी इतना क्लासिक हुआ है ना अभी, देखो सामने पूरा फॉग है, यहाँ पे काफी लोग रुके हैं फोटो खींचने के लिए। ये देखो यहाँ का नज़ारा, यहाँ पे अपना नाश्ता है और ये देखिए जस्ट वाओ, सामने है वाटरफॉल। तो ये आ गया है पुणे टोल प्लाजा, और यहाँ से अभी पुणे सिटी जो है वो है 60 किलोमीटर्स और हमें जहाँ जाना है वो है 100 किलोमीटर्स।
पेट्रोल ब्रेक लिया था वापस, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ था बट ले लिया था मैंने, थोड़ा रेस्ट भी लेना था मुझे हाथ के लिए, अचानक यहाँ पे पेन हो रहा था मुझे, और कुछ 269 रुपीज़ का पेट्रोल मैंने भरा, कितना लीटर आया देखा ही नहीं, 2.54 लीटर, जो लास्ट मैंने खोपोली के पहले भरा था तभी भी इतना ही भरा था। तो अभी आई एम अबाउट टू रीच माई डेस्टिनेशन, कितना बाकी है अभी, यहाँ से मुझे राइट लेना है आगे थोड़ी आगे, एंड तो ये मैंने राइट ले लिया है, एंड यहाँ से गूगल मैप बता रहा है कि 14 किलोमीटर स्ट्रेट चलाना है अभी मुझे। लेफ्ट साइड पे क्या व्यू है गाइस, यहाँ से एक नदी बह रही है और ऊपर सामने एक लेक है शायद, वो बेटा एकदम हाइट पे दिखाई दे रहा है वो लेक, ये देखो इतना सुंदर लग रहा है ना, स्काई भी देखो। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे छोटी बहन के घर पे, हालत ख़राब हो गई है बट यहाँ का व्यू देख के दिल खुश हो गया यार, ये पीछे पूरा पहाड़ है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ फिर शाम को बाहर जाएंगे थोड़ा घूमने, थोड़ा खाती हूँ पीती हूँ थोड़ा रेस्ट करती हूँ। ये देखिए सामने का व्यू कितना सुंदर है, एक्चुअली वो साइड में भी बहुत ही सुंदर व्यू है, मैं आपको हॉल से दिखाती हूँ, ये बेडरूम वाले विंडो से है, ये देखो पूरे पहाड़, अभी मैं आपको हॉल से दिखाती हूँ, ये पूरा पसारा देखो मेरा, मैं आई वैसे सब इधर मैंने निकल के रख दिया बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड, अभी मैं आपको हॉल से व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए वाओ यार सुपर, अभी एक्चुअली ज़्यादा सुंदर लग रहा है बिकॉज क्लाउड्स वैसे आ गए ना, मुझे रात के 9:15 और मेरा जो टिफ़िन है वो आ चुका है, अभी देखते हैं उस टिफ़िन में क्या क्या है खाने के लिए बिकॉज मुझे जल्दी से खाना है और जल्दी से सोना है। तो ये रहा मेरा डिनर, ये है राइस, ये है दाल, ये है बैंगन की सब्ज़ी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये कौन सी सब्ज़ी है पता नहीं, और ये रही रोटी चपाती जो कि बहुत ही बड़ी है साइज़ में, इतनी सारी तो मुझे होगी नहीं खाने के लिए, तो सुबह का नाश्ता हो सकता है इससे, तो फटाफट से डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल का प्लान क्या है वो मुझे पता नहीं, बस इतना ही पता है कि कल मुझे जाना है सुबह मेरी बहन को लेने के लिए, तो कल जल्दी उठना है, अभी बज रहे हैं कुछ 9, तो अभी जस्ट मैंने खाना खाया है और थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा नींद आ रही, कल भी ज़्यादा सोई नहीं थी, सुबह जल्दी उठ गई थी मैं 4 बजे जल्दी निकलने के लिए, बट निकलते निकलते मुझे 7:30 बज गए थे। एनीवेज तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट।